सोलापुर पुणे बाईपास रोड पर बीते रविवार 14 जुलाई 2024 की रात 8:30 बजे के आसपास MH 13 G99 60 नंबर की ऑटो रिक्शा वाले ने रास्ते के किनारे रुकी एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो रिक्शा में सवार दो लोग और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये देख रास्ते से जा रहे सोलापुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घायलों को ऑटो रिक्शा से बाहर निकाल फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही फौजदार चौड़ी पुलिस थाने के कांस्टेबल और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल सभी की हालत बेहतर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस एक्सीडेंट में ऑटो रिक्शा का भारी नुकसान हुआ है।